जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संचित सक्सेना। भाई आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो VXI वेरिएंट। भाई अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ ना, इसका एक्स शोरूम जो शुरू होता है 5,20,000 से शुरू होता है और ऑन रोड आते आते ये ना गाड़ी तकरीबन 6 लाख रुपये की पड़ती है। भाई ये जो कार है एक माइक्रो SUV कार है। ये जो सेगमेंट है ये मारुति ने ना एक न्यूली बनाया है। आप अगर ऐसे बंदे हो कि आप रफ रोड पे ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हो, प्लस आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें अच्छा हेडरूम हो, वैल्यू फॉर मनी हो और कम प्राइस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दे, तो ये गाड़ी है आपके लिए। भाई ये है मारुति की एक्सप्रेसो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, पहली चीज़ ना आप गाड़ी में देखो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने को मिलती है ना, वो भाई 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भाई गाड़ी का स्टांस आप देखो, ये पूरा का पूरा एक SUV लुक दे रही है ये गाड़ी। तो SUV लुक दे रही है लेकिन कहीं से ये SUV नहीं है, पहली बात बिल्कुल क्लियर। भाई VXI इस पूरे एक्सप्रेसो पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, भाई गाड़ी के अंदर आप देखो बेसिक फीचर हमें सारे मिल रहे हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, प्लस ये गाड़ी करेंटली एक एसेसराइज्ड व्हीकल है, तो यहाँ पे 31,000 रुपीज़ की एसेसरीज लगी हुई है। क्या क्या एसेसरीज़ हैं वो भी मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में, और पूरा का पूरा एक वॉक अराउंड करते हैं इस गाड़ी का कि 2023 के अंदर क्या ये गाड़ी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है क्या। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो चलो फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाड़ी की फ्रंट से बात करते हैं। अगर हम फ्रंट में बात करें तो सुजुकी का बेज हमें कुछ इस तरीके से इम्पोज होके मिल रहा है, प्लस मैट फिनिशिंग में हमें इसकी ग्रिल मिल रही है, और ये जो यहाँ पे ग्रिल पे क्रोम लगा हुआ है ना, ये एज एन एसेसरी का पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ आप गाड़ी के हेडलैम्प देखो, तो हेडलैम्प में अगर मैं बात करूँ ना, हमें यहाँ पे हेलोजन बल्ब दे रखे हैं हाई बीम और लो बीम के लिए। साथ ही साथ साइड टर्न इंडिकेटर का सेटअप कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये जो हेडलैम्प है ना, ये देखो इसके ऊपर ना यहाँ पे डिज़ाइन ये भी ना यार काफ़ी अच्छे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। और लोअर ग्रिल पे चलते हैं तो लोअर ग्रिल का पार्ट कुछ ये है, मैट फिनिशिंग में हमें लोअर ग्रिल मिल रही है और ये स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश की हमें ये एज एन एसेसरी में देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। ये रहा फ्रंट का पार्ट। इसके साथ में आप गाड़ी में एक बार साइड में आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं साइड में बात करूँ ना, तो हमें ये व्हील आर्च देखने को मिल रही है। तो ये व्हील आर्च एज एन एसेसरी का पार्ट गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो ये हुआ व्हील आर्च। अब इसके साथ में इसके टायर्स, भाई टायर्स पे अगर नज़र मारें तो हमें MRF के टायर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी टायर की प्रोफाइल है 165/70R 14 इंच। तो 14 इंच के स्टील व्हील देखने को मिल रहे हैं विद व्हील कवर के साथ कुछ इस तरीके से। और आप ये देखो यहाँ पे गाड़ी को साइड से, तो कुछ इस तरीके से हमें गाड़ी को साइड में देखने को मिल रहा है, प्लस व्हील बेस भाई 2380 mm का व्हील बेस हमें गाड़ी में ऐसा देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ अगर हम नज़र मारें इसके ORVM, तो मैट फिनिशिंग में हमें ORVM देखने को मिल रहे हैं कंप्लीट। ये भाई मैट फिनिशिंग है, अंदर से ये ऑपरेट होंगे, ये आपको यहाँ पे स्टिक दिख रही है इस तरीके से। ये जो गाड़ी की साइड की डोर क्लैडिंग आप देख रहे हैं ना, ये एज एन एसेसरी का पार्ट है। तो ये रहा, प्लस यहाँ पे मैट फिनिशिंग में हमें डोर हैंडल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। ए पिलर बॉडी पेंटेड है, बी पिलर पेंटेड है, ये यहाँ पे पीछे सी पिलर पेंटेड कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और गाड़ी में आप देखिए ऊपर एंटीना, तो ये एंटीना कुछ ऐसा है, और इसके साथ ना ये यहाँ पे क्रीजेस कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक भाई पीछे छोटा सा स्पॉइलर है, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ये स्पॉइलर, कुछ अच्छा बेटर थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगा एरोडायनामिक, ठीक। तो ये पार्ट रहा। पीछे हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स हमें ऐसा देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे जो क्रोम रेल है, ये एज एन एसेसरी का पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये सुजुकी का बेज, एक्सप्रेसो का बेज कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। गाड़ी के लैंप्स, पीछे टेल लैंप्स पे अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट हेलोजन यूनिट है, साइड टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लैंप्स के साथ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ में ये गाड़ी ऑफर हो रही है। पीछे ये जो सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट है, ये एज एन एसेसरी का पार्ट गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से भाई पीछे से ये गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सही है जिस प्राइस में ये कार आ रही है, एक SUV लुक कोई कंपनी नहीं है जो भाई दे रही है। मारुति एक ऐसा है जो कि एक नया ट्रेंड सेट किया है इंडियन मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमें
फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। मैं ना अब आपको भाई गाड़ी की ना एक बार चाबी दिखाता हूँ। तो गाड़ी की अगर हम चाबी की बात करें ना, कुछ इस तरीके से हमें की देखने को मिल रही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की हमें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी की जो मेन की है उसमें सेंट्रल लॉकिंग आ रही है और सुजुकी का बेज कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके साथ सेकेंडरी की बिल्कुल प्लेन ऐसी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या क्या फीचर है भाई, लॉक और अनलॉक है। तो सबसे पहले गाड़ी को लॉक करते हैं। तो ये किया, ये लॉक है, ये अनलॉक हुई दो बार। लॉक करने पे कोई वीप नहीं आई, अनलॉक करने पे दो बार यहाँ पे सिग्नल आया। तो कुछ ये रहा, एक बार गाड़ी को अंदर देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम आते हैं गाड़ी के पास, ये आए। सो ये पार्ट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। भाई दरवाजे देखो कितने चौड़े डोर हैं, आप देख रहे हो पूरा का पूरा कंप्लीट ऐसे ये सीधा खुला है। इजीली गाड़ी के अंदर चढ़ भी सकता है बंदा और उतर भी सकता है। अगर यहाँ पे बात करें स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स हमें जो देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे दो स्पीकर्स आ रहे हैं, दोनों के दोनों हमें फ्रंट में देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके साथ एक पार्ट और है, वो है हमारा फ्यूल टैंक। तो कार का जो फ्यूल टैंक है ना, वो 27 लीटर का फ्यूल टैंक हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल रहा है। और ये कंप्लीट मैट फिनिशिंग में कुछ इस तरीके से ये डोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्या है, ये इनर डोर हैंडल कुछ हल्का सा ग्लॉस फिनिश में आ रहा है और ये एलिमेंट हमारा एज एन एसेसरी का एलिमेंट दिया हुआ है। बॉटल होल्डर आ रहा है, प्लस मैप पॉकेट हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ये रहा गाड़ी में। अब एक बार अंदर बात करते हैं। तो अंदर ना इस कार के अंदर इनिशियली जो सीट्स आती हैं वो फैब्रिक सीट्स आती हैं, बट एज एन एसेसरी में आपको कुछ इस तरीके से PU लेदर की सीट्स मिल जाएंगी। हाँ, अब एक बार ना गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ये हम कार के अंदर आ गए, दरवाज़ा किया बंद, चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले ये है गाड़ी। तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप देखने को मिल रहा है गाड़ी में, प्लस कॉम्बिनेशन स्विच का सेटअप। तो यहाँ पे लैम्प्स हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये यहाँ पे वाइपर हो गया, ये है गाड़ी का स्टेयरिंग। तो भाई ये कुछ ऐसा स्टेयरिंग, टू एयरबैग के साथ में गाड़ी आ रही है। इसके साथ ये हमें म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो म्यूज़िक सिस्टम में हमें FM रेडियो बेसिक म्यूज़िक सिस्टम कुछ इस तरीके से मारुति की तरफ से ऑफ़र हो रहा है, प्लस हैज़ार्ड लैम्प्स। ये पावर विंडो के स्विचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ड्राइवर और को ड्राइवर हमें पावर विंडो देखने को दी जा रही है। और यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमें ब्लोअर्स देखने को मिल रहे हैं। तो 4 स्पीड तक हम ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं, AC आ रहा है गाड़ी में, और ये रीसर्कुलेशन मोड्स के ऑप्शन। तो ये पार्ट रहेगा, यहाँ पे हमें 120 वाट का चार्जिंग का पॉइंट मिल जाएगा। तो एक ही यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट है। इसके साथ आप ये देखिए, ये कैविटी है सामान रखने की, दो हमें कप होल्डर मिल रहे हैं, और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इस गाड़ी में हमें देखने को मिल रहा है। ये हैंड ब्रेक हुआ। तो ग्लोव बॉक्स की तरफ आते हैं। तो ग्लोव बॉक्स भाई यहाँ पे नीचे ऐसा ग्लोव बॉक्स हमें गाड़ी में देखने को मिल रहा है, प्लस एक ये कैविटी मिल रही है सामान रखने की, दो एयरबैग के साथ में, और इसके वेंट्स। भाई वेंट्स ना थोड़े ऊपर उठे हुए हैं। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब ये गाड़ी चलेगी ना, काफ़ी इजीली ये केबिन को ठंडा कर सकती है ऊपर उठे हुए वेंट की वजह से। इसका एक रीज़न है भाई, ये जैसी वेंट हवा करेंगे ना, तो आप देखो पूरे केबिन में हवा रीसर्कुलेट होगी। तो एक ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, गाड़ी में आपको कुछ अलग दिखेगा, वो है गाड़ी का स्पीडोमीटर। भाई स्पीडोमीटर ना पूरा का पूरा DIS यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेंटर में देने से एक फ़ायदा क्या है, जब भी आप गाड़ी हाई स्पीड में चला रहे हो तो जो आपका विज़न है ना, वो यहाँ पे क्या है ना, मतलब ख़राब नहीं होगा। आप एकदम सीधा चलाते हुए सीधा इसको यहाँ पे देख सकते हो। ये एक मेरे को इसमें अच्छी बात लगी है। जनरली क्या होता है, सेंटर में अगर DIS स्क्रीन होती है ना, तो कई बार ऐसा होगा, जैसे अभी ये स्टेयरिंग है, यहाँ पर स्पीडोमीटर अटक गया, आप नीचे देख रहे हो ऊपर देख रहे हो, तो भाई वो देखने में दिक्कत होगा। बट स्टिल ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट है। अब एक बार ना गाड़ी को चाबी लगाते हैं, देखते हैं गाड़ी का डिस्प्ले कैसा है। वाओ, तो ये कुछ हमें ऐसा इंटरफेस मिल रहा है। तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो पेट्रोल इंजन है ये 1000 CC का, और ट्रिप ए ट्रिप बी किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज आ गया, ठीक है, रेंज आ गया। तो ये सब हमें फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये इसका बेसिक भाई, ये यहाँ पे जो सिस्टम है, तो लो फ्यूल वार्निंग ये दिखा रहा है। और क्या है, ये ऑक्स केबल आ गई
कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से भाई बिल्कुल बेसिक सिस्टम हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। सिस्टम ब्लूटूथ सेकंड है, सिस्टम सेटिंग्स पे आओ तो ये अलर्ट, रिवर्स प्रायोरिटी, व्हीकल अलर्ट, सिक्योरिटी, तो ये कुछ भाई ऐसा हमें सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये पार्ट रहा, एक चीज़ आप और देखिए, ये एज एन एसेसरी है, तो ये बेसिकली जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है ना, ये उसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट लगाया गया है, जिससे ये बताएगा कि किस साइड में आपको कितना स्पेस बचा हुआ है। हाँ, मैं सीट को पहले अपने हिसाब से सेट करता हूँ, फिर एक बार हम पीछे सेकेंड रो पे चलते हैं। तो अब ये सीट है बिल्कुल मेरे हिसाब से सेट, राइट। ये चीज़ है कुछ इस तरीके से। एक मेरे को जो सही चीज़ लग रही है ना, इसका सिटिंग पोस्चर भाई, इसमें ना हाइट एडजस्टमेंट नहीं है कार में, बट सिटिंग पोस्चर काफ़ी बेहतर है। आप ये देखो, मैं जिस तरीके से बैठा हुआ हूँ ना, मतलब कोई भी बंदा जैसा बैठेगा ना, उसको सीधा बोनट दिखेगा। तो फ़ायदा क्या है, यही एक फ़ायदा होता है SUV कैरेक्टर कार्स का ना, कि हमें बोनट दिखता है। तो कभी कंजेस्टेड रोड पे, ट्रैफिक पे है हम लोग, तो ईजिली हम लोग जज कर पाते हैं कि कितना आगे स्पेस बचा हुआ है। तो ये पार्ट कुछ ऐसा है। अब गाड़ी वो एक बार लॉक किया जाए, बंद करते हैं, चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं भाई स्पेस पीछे कैसा है। तो ये मैं आ गया, ये खोला यहाँ पे दरवाजा, भाई ये देखो ये दरवाजा अभी भी कितना चौड़ा है, आप देख रहे हो बिल्कुल सीधा ऐसे खुल गया है। तो ये पार्ट हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, जिसमें सेकंड रो में हमें रोल अप रोल डाउन मैनुअली हमें पावर विंडोज़ के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे कैविटी है, तो यहाँ पे बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट्स अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल बाकी ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं सेकंड रो पे। तो ये भाई मैं आ गया सेकंड रो के अंदर, तो कुछ इस तरीके से स्पेस है यार, सही है, अच्छा खासा स्पेस है सेकंड रो के अंदर। ये मेरा बैग है, तो अच्छा खासा आई थिंक स्पेस है, इनफ स्पेस है। तो ये कुछ सेकंड रो है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम सिंपल। यहाँ पे हमें सामान रखने की थोड़ी सी कैविटी एक इधर मिल गई है, बाकी और कुछ नहीं। सीट बेल्ट आ रहा है, ये पार्ट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। डिग्गी भी देख लेते हैं एक बार, बूट स्पेस कैसा है। बूट तो ये है भाई, इसका कुछ बूट स्पेस हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ठीक है यार, मतलब गाड़ी भी तो देखो, गाड़ी छोटी है, छोटी गाड़ी के हिसाब से अच्छा स्पेस है। और ये है नीचे, सेम MRF का टायर, सेम टायर प्रोफाइल है, ठीक है, 165/70 R14। तो सेम टायर प्रोफाइल हमें कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिल गई है। तो अब बात करते हैं एक बार एसेसरीज पे, कि गाड़ी में एसेसरी क्या क्या लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं आ गया, एक बार एसेसरी देखते हैं, ये लगा हुआ है पार्ट। तो ये 31,000 rupees की एसेसरी है, जिसमें व्हील आर्च है, फ्रंट ग्रिल है, ब्लैक डोर गार्निश है। ये सारा का सारा पार्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये 31,327 rupees है, जो कि करेंटली यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, तो ये यहाँ पे 26,000 में आपको मिल जाएगा। भाई आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो ऑफ़र हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये होता है इसी टाइम के लिए वैलिड। तो बेस्ट डील के लिए मैंने आपको शुरू में नंबर दिखाया था, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं एक बार गाड़ी के हुड को खोल के भी। इंजन देखें पहले, इंजन कैसा है गाड़ी का। सो ये पार्ट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। 1000 cc का इंजन है, 3 सिलेंडर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। भाई बता दूं आपको, ये जो गाड़ी की पावर है 50 kW की, इस कार की पावर है, प्लस टॉर्क जो है 90 N का टॉर्क हमें दे रहा है। प्लस ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ CNG पे भी अवेलेबल है। तो CNG की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर 43.5 kW की पावर दे रहा है, और CNG पे टॉर्क है 78 Nm का, 5-speed ट्रांसमिशन के साथ में। ये है भाई कुछ एक्सप्रेसो, तो काफ़ी सही है गाड़ी में। अगर मैं बात करूं तो 6 लाख में भाई आपको अगर ये गाड़ी मिल रही है,
आई थिंक बेस्ट है, जिस प्राइस के अंदर ये कार आई है मस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, प्लस शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जो लोग भाई गाड़ी में कंफ्यूज हैं और गाड़ी नहीं देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।